इस्राइल गवर्नमेंट एम्प्लाइज ग्रेंड अलाइसेंस के जेर एहतमाम दरपाबन के हेडक्वार्टर तेमरगरा में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसमें जिला भर से सरकारी मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन इस मौके पर बैनर और गत्ते उठा रखे थे जिस पर इनके मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। एहतजाजी मार्च के बाद मुजाहरे से खिताब करते हुए आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेंड अलायंस के सूबाई सदर सैयद मोहम्मद शाह बादशाह और जिली चेयरमैन मोहम्मद सलीम का कहना था कि महंगाई की हालिया लहर IMF के डिक्टेशन पर है। हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा कर रहे हैं। मुकर्रिन का कहना था कि वफाकी वज़रा ने गुज़िश्ता बरस अगेगा कायदीन के साथ इस्लामाबाद धरने के मौके पर मुतालबात तस्लीम करने के हवाले से वादा किया था, ताहम अब तक इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया जा सका। मोहम्मद सलीम का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे, बसूरत देकर इस्लामाबाद के जानिब रुख करेंगे और हालात की खराबी की तमाम तर जिम्मेदारी मौजूदा सूबाई और वफाकी हुकूमत पर आयद होगी। कैमरामैन टीम के साथ रहमतुल्ला स्वाती, तेमरगरा। ए मौला, हम तेरे बंदे, ए मौला, तेरे दर के सब।